हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पल्स रेट कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए और SpO2 कितना होना चाहिए नॉर्मल। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं पल्स रेट। देखिए, पल्स रेट होता क्या है पहले ये समझिएगा। पल्स रेट जो हमारा हार्ट धड़कता है, जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, वहाँ से एक बीट जनरेट होती है जिसे हम पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट हमारी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 60 से लेकर के 100 पर मिनट। ठीक है, अगर हमारी 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट हो रही है तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर 60 से नीचे है तो दिक्कत है, 60 और अगर 100 से ऊपर है तो दिक्कत है। अब अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 mmHg। तो 120 ऊपर का होना चाहिए, 80 नीचे का होना चाहिए, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होना चाहिए। ये एक नॉर्मल एडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो ब्लड हमारा हार्ट से पंप होके आ रहा है वो कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से हार्ट उसे पंप कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। राइट, ये दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। उसके बारे में अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, बड़ा मामला है। RR की बात करें, RR का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होती है, रेस्पिरेटरी मतलब कि जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वो, तो रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? ये हमारी होनी चाहिए 12 से लेकर के 18, ये 20 भी होती है, 12 से 20 भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनट होनी चाहिए ये हमारी। ठीक है, यानी कि 12 से 18 ब्रीद पर मिनट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल होता है। अब अगर SpO2 की बात करें तो SpO2 हमारा कितना होना चाहिए नॉर्मल? SpO2 यानी हमारे शरीर में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए नॉर्मल, इसकी मात्रा हमारे शरीर में होती है 94 से लेकर के 100%। तो ये 94% से लेकर के 100% तक हमारे ब्लड हमारे बॉडी में होनी चाहिए, जो कि हम ये चार पांच उंगलियों से चेक करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम चेक करते हैं। ये हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, इसे हम ऑन करते हैं और इसे हम इंडेक्स फिंगर में लगाते हैं। इसे हम पांचों उंगलियों में, किसी भी उंगली में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रीडिंग देखते हैं कितनी रीडिंग आती है। तो देखिए, 95 आ रहा है मेरा SpO2, यानी ऑक्सीजन जो लेवल है वो 95 आ रहा है, 95 आ रहा है। और देखेंगे आप पल्स रेट मेरा कितना आ रहा है, 91 90 91 90 93, ऐसे कुछ आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा है पल्स रेट और ये हमारा है ऑक्सीजन। तो देखिए, ये 60 से 100 के बीच में है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 94 से 100 के बीच में है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी को ज़रूर शेयर करें। बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में आपको बताए हैं। ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स से, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।